तो लेटेस्ट पोस्ट ऑफिस इंटरेस्ट रेट्स क्या हैं हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो जनवरी से लेके मार्च 2024 के लिए मैंने यहाँ पे पोस्ट ऑफिस इंटरेस्ट रेट्स का टेबल अपडेट कर दिया है मेरी वेबसाइट पे। तो दोस्तों ये आर्टिकल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी दे दूंगा जहाँ से आप चेक कर सकते हो जो भी पोस्ट ऑफिस के लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट्स हैं। अब ये टेबल को मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ ताकि हम थोड़ा सा अच्छे से देख पाएं जो भी इंटरेस्ट रेट्स अपडेट हुए हैं इस क्वार्टर के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हो पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स का जो प्रीवियस इंटरेस्ट रेट था वो 4% का था और जनवरी से लेके मार्च 2024 के लिए भी यहाँ पे 4% का मेंशन किया गया है। तो इसमें कोई भी चेंज नहीं है। अब यहाँ पे इसके अलावा मैंने यहाँ पे कंपाउंडिंग का जो बेनिफिट मिलता है आपको क्वार्टरली मिलेगा या फिर ईयरली मिलेगा वो भी मैंने यहाँ पे मैंशन किया हुआ है। इसके अलावा मिनिमम डिपॉजिट्स कितना है, मैक्सिमम डिपॉजिट आप कितना कर सकते हो और उस स्कीम के लिए टेन्योर कितना है वो भी सब मैंने यहाँ पे मैंशन किया हुआ है। तो टर्म डिपॉजिट 1 साल का जो होता है यानी कि फिक्स डिपॉजिट है उसका 6.9% का इंटरेस्ट रेट है और इसमें आपको क्वार्टरली कंपाउंडिंग मिलेगा यानी कि हर 3 महीने बाद जो भी आपका इंटरेस्ट होता है फिक्स डिपॉजिट में वो आपके बैलेंस में ऐड कर दिया जाएगा और आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा आगे आने वाले क्वार्टर्स में। इसके अलावा जो 2 साल के फिक्स डिपॉजिट होते हैं उसमें आपको 7% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। जो 3 साल का फिक्स डिपॉजिट होता है उसको 7% से लेके 7.1% कर दिया गया है। तो 0.1% का इंक्रीज हुआ है इंटरेस्ट रेट में और इसीलिए मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड जो है वो ग्रीन कर दिया है इस टेबल में क्योंकि इस स्कीम का 3 साल के टेन्योर के लिए इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुआ है। इसके अलावा जो 5 ईयर्स के टर्म डिपॉजिट्स है यानी कि जो फिक्स डिपॉजिट्स है उस पर आपको सबसे ज्यादा रिटर्न यानी कि 7.5% मिलेगा अगर आप किसी भी फिक्स डिपॉजिट्स के टेन्योर को देखें। फिक्स डिपॉजिट्स में आपका इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मिल जाएगा। तो आप उस वीडियो को भी चेक कीजिएगा ये वीडियो देखने के बाद। अब इसके अलावा आरडी यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट्स जो होता है अगर आप उसको 5 साल के लिए करते हो तो आपको 6.7% का एनुअल इंटरेस्ट रेट मिलेगा और इसमें भी क्वार्टरली कंपाउंडिंग होता है। इसके अलावा एनएससी यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स में 5 ईयर्स का अगर आप डिपॉजिट्स करते हो तो 7.7% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो दोस्तों ये भी बहुत ही अच्छा खासा सेविंग स्कीम है जो कि आपको मदद करेगा आपका इनकम टैक्स बचाने के लिए और इसमें आपका जो कंपाउंडिंग है वो ईयरली बेसिस पे होता है। तो अगर आपको इनकम टैक्स बचाना है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स आपको मदद करेगा सेक्शन 80C के तहत आपका इनकम टैक्स बचाने के लिए। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम जो कि आपको मदद करता है हर महीने कोई मंथली इनकम पाने के लिए आपके डिपॉजिट्स पे उस पे आपको 7.4% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा एनुअली और अगर आप इसको सिंगल अकाउंट ओपन करते हो तो मैक्सिमम अमाउंट आप 9 लाख रुपीज जमा कर सकते हो ताकि आपको मंथली इनकम मिलते रहे और अगर आप ज्वाइंट अकाउंट ओपन करते हो तो 15 लाख की लिमिट है मैक्सिमम अमाउंट जिसपे आपको हर महीने इंटरेस्ट मिलते रहेगा और इसका जो टेन्योर है वो 5 ईयर्स का होता है। इसके अलावा यहाँ पे पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो कि एक बहुत ही पॉपुलर स्कीम है जहां तक आपका टैक्स सेविंग का सवाल है सेक्शन 80C के तहत इसमें आपको 7.1% का एनुअल इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अब दोस्तों इसका जो इंटरेस्ट है वो हर महीने कैलकुलेट होता है और साल के अंत में यानी कि मार्च के एंड में जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है हर महीने वो ऐड हो जाता है आपके बैलेंस में और इसी की मदद से आपको ईयरली कंपाउंडिंग मिलता है पीपीएफ के अकाउंट में और ये 15 साल की सेविंग स्कीम है जो कि बहुत ही बढ़िया स्कीम है क्योंकि जो भी आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा इस पीपीएफ के अकाउंट में उस पे आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है यानी कि जो आप डिपॉजिट करोगे वो आपको मदद करेगा आपका टैक्स बचाने के लिए और जो भी इंटरेस्ट और मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है आपको 15 साल के बाद उस पे भी आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। अब 1,000 रुपए अगर आप हर महीने पीपीएफ के अकाउंट में जमा करते हो तो आपका टोटल इंटरेस्ट और मैच्योरिटी अमाउंट कितना हो सकता है 15 साल के बाद उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। तो आप उस वीडियो को भी चेक कीजिएगा ताकि आपको आइडिया मिल सके कि किस तरीके से आपका कंपाउंडिंग बेनिफिट जो आपको पीपीएफ में मिलेगा वो लंबे समय के लिए आपके जो फाइनेंशियल गोल्स हैं उसको अचीव करने के लिए हेल्प करेगा। अब इसके अलावा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो कि हमारे सीनियर सिटीजन के लिए है उसमें हमें 8.2% का इंटरेस्ट
रेट मिलेगा। तो जैसे हमारा मंथली इनकम स्कीम होता है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में हर क्वार्टरली इंटरेस्ट पे आउट मिलते रहेगा आपके डिपॉजिट्स पे, और इसकी भी मिनिमम डिपॉजिट्स और मैक्सिमम डिपॉजिट्स यहाँ पे मेंशन की गई है, और ये 5 ईयर्स का टेन्योर होता है इस पर्टिकुलर स्कीम में। इसके अलावा किसान विकास पात्र, इसमें आपको 7.5% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा जनवरी से लेके मार्च 2024 में, और आपका ईयरली इसमें कंपाउंडिंग होता है 115 महीने के बाद आपका जो पैसा है वो डबल हो जाएगा अगर हम 7.5% की इंटरेस्ट रेट की बात करें। इसके अलावा एक और पॉपुलर स्कीम जो कि आपकी बेटियों के लिए है, सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट। अगर आपने आपकी बेटी के लिए ओपन नहीं किया है ये वाला अकाउंट तो आज ही ओपन कीजिए, क्योंकि इसमें भी आपको 8.2% का एनुअल इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो दोस्तों, आपकी जब बेटी बड़ी होगी, 18 साल या फिर 21 साल की हो जाएगी, तो आपके पास बहुत ही अच्छा खासा पैसा इकट्ठा होगा उसके फर्दर स्टडीज के लिए, या फिर और कोई फाइनेंशियल गोल्स अगर आपको उसके लिए अचीव करना है। तो ये 21 साल के टेन्योर का सेविंग स्कीम होता है जो कि आप ओपन कर सकते हो। इसमें आप मैक्सिमम 1.5 लाख रुपीज एक साल में जमा कर सकते हो, और इस पे आपको टैक्स बेनिफिट्स भी मिलता है। अब 1,000 रुपए अगर आप हर महीने सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट में जमा करते हो तो आपको कितना टोटल मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा 21 साल के बाद, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप वो वीडियो जरूर देखिएगा अगर आपको आपकी बेटी के लिए ये वाला अकाउंट ओपन करना है, ताकि उसके जो फाइनेंशियल गोल्स हैं वो अचीव हो जाए टाइम के साथ। तो दोस्तों, ये रहे सारे इंटरेस्ट रेट्स जो भी पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स आज की डेट में अवेलेबल हैं। अब ये जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो हर क्वार्टर में रिव्यू होते हैं। ये वाले जो इंटरेस्ट रेट है एनुअल इंटरेस्ट रेट है, यानी कि पूरे साल का इंटरेस्ट रेट है, तो जनवरी से लेके मार्च के क्वार्टर के लिए अपडेट किया गया है। जब इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा तो 3 महीने के हिसाब से इस एनुअल इंटरेस्ट रेट को डिवाइड किया जाएगा और फिर आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो ये सारे पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स के कैलकुलेटर्स भी मैंने अलग से बनाए हैं मेरी वेबसाइट पे। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, आप जैसे ही इस वेबसाइट पे आते हो मैंने ये कैलकुलेटर्स का सेक्शन दिया है, तो हम इसको न्यू विंडो में ओपन करते हैं। जैसे ही हमने ये कैलकुलेटर्स का पेज ओपन किया, ये सारे कैलकुलेटर्स आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे पीपीएफ कैलकुलेटर और फिर एफडी यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट्स कैलकुलेटर, इसके अलावा सेविंग्स इंटरेस्ट, आरडी कैलकुलेटर, और भी कई सारे कैलकुलेटर्स हैं, सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट, SCSS यानी कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, NSC या फिर MIS कैलकुलेटर। जो भी पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम्स अवेलेबल हैं आज की डेट में, मैक्सिमम कैलकुलेटर्स इस कैलकुलेटर पेज पे अवेलेबल हैं, जिनको आप यूज कर सकते हो आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए। तो दोस्तों, ये कैलकुलेटर्स का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल FinCalC TV को। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप ये वाले वीडियोस देखो।